हरिः ॐ श्रीमान् महागणाधिपतये नमो नमः अम्बाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः ॐ श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः अमनिलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कलिया सांतंक चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मणिमा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जनंकु विष्णु प्राय मणे नमई तहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि। भो जगन्नाथ दैतारी, भो जगन्नाथ दैतारी, भो जगन्नाथ दैतारी। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासं तदो जयो मुदीरयते। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरी। जतकृपां तमहं वंदे परमानंदमाधवं परमानंदमाधवं। पंचविशतम अध्याय श्री लक्ष्मी उवाच। हे प्रभु दान फल जाहा कहंतु दया करिताहा। भगवान कहुचन महालक्ष्मी श्रवण करुचन, महालक्ष्मी पचारुचन्ति, महाप्रभु कहुचन। ये एक भावर आदान प्रदान एठे हो। शौनकादि ऋषि मुनिगण मानंकु सुत नैमिषारण्य रे एही प्रसंग कथा कहुचन्ति। हे ऋषि गण माने, हे ऋषि पुत्र गण माने, भगवती माँ कल्याणमयी जगत जननी पचारुचन्ति। ए पवित्र अधिमास, ए पुरुषोत्तम मास, बल मास रे दान फल जहा एवं तार फल कौन, दान पुण्य करिबा द्वारा कि फल प्राप्त होइथाय तहा महालक्ष्मी पचारुछन्ति महाप्रभु वैकुंठाधिपति। श्रीकृष्ण उवाच। जगत उपकार पाई सुण सुंदरी कहू थाई। केवल जगत कल्याण उद्देश्य रे ए कथा मु तमुक कहूची महालक्ष्मी। हे जगत जननी, ए कथा जो मुबा तमुक कहूचे हार मोर एकमात्र उद्देश्य। तबर मन तृप्ति हेब, तबर मन संतोष हेब, तुम मन भितरे थिबा नाना शंका आशंका गुड़िक दूरीभूत हेब। ता सहित ए सारा जगतर कल्याण उद्देश्य रे मु आपणंकु माता तुमर माध्यम रे जगतवासींक उद्देश्य रे मु यहा प्रदान करूची। मो मासे सुवर्ण 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 जे करे प्रदान अग्नि संतोष तही हंती दरिद्र नो हे के हूं ए थी। कले हे महालक्ष्मी दान विविध प्रकार। आमे गोदान कथा श्रवण करीछे, आमे अन्नदान कथा श्रवण करीछे, आमे विविध प्रकार दान रही अछन एवं ततमध्यरु भगवान कहउछन्ति दान भितरे सुवर्ण दान। से सुवर्ण दान करिबा कौन ना, ए सुवर्ण दान द्वारा स्वयं अग्निदेवता अग्नि प्रज्वलित मंदे जातवेदं हुतासनम स्वयं भगवान अग्निदेवता संतुष्टि लाभ करिथान वरदायक होइथान। अग्नि संतोषे दोहित ही हंती दरिद्र नो हे कहूं ए थी। सुवर्ण दान करिबा द्वारा सुवर्ण बिली आमे कहून जे भरी आमर यथाशक्ति यथासंभव तिल मात्र के सुवर्ण दान मध्य से सुना अटे। तिल मात्र के सुना सुना पांच भरी सुना मध्य सुना। तिल मात्र को सुनाटा रूपा हो जीवनी कि पांच भरी सुनाटा मध्य रूप तंबा हो जीव। तेणु सुना माने सुना। तेणु मोर ऐ पवित्र अधिमास रे ए अधिमास होउचे सुवर्ण सुजग मानव समाज पाए। भगवान कहउचन्ति मो मासे सुवर्ण 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 जे करे प्रदान। करे मोर त प्रत्येक मास होउचन्ति पुण्यपद मास। माघ मास पुण्यपद, फगुण मास पुण्यपद, चैत्र मास पुण्यपद। कौनसी प्रत्येक दिन ही पुण्यतम दिन मोर दिवस। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़।
से प्रत्येक दिन ही प्रत्येक मास ही मंगलमय पास मंगल प्रदायन मास अटे लोक कल्याण मास एवं सुवर्ण धातु मानंग मध्यरे सुवर्ण धातु होची अत्यंत मूल्यवान धातु एवं सुवर्ण जे करे दान एवं मास मानंग मध्यरे जो द्वादश मास ए मास मानंग मध्यरे सुवर्ण मास होचे ये पवित्र अधिमास बा पुरुषोत्तम मास बा पुरुष मल मास जहाँ को सुवर्ण सुजग बोली कह महाप्रभु तीन वर्ष अंतरे आमको सुजग दे अरे पिले कार्तिक करिनु माघ करिनु फगुण करिनु वैशाख व्रत करिनु कौनसी एकादशी द्वादशी अमावास्या व्रत करिनु दान पुण्य आदि किसी करिनु अरे सुवर्ण सुजग मिली ए तीन वर्ष अंतरे सुवर्ण सुजग मिली था तेणु ए समय रे तमे यथाशक्ति यथाविधि यथाविधान अनुसार दान पुण्य कर निजर जीवन को आनंदमय कर पाप मुक्त कर एवं भगवान सान्निध्य लाभ कर तेणु सुवर्ण दान द्वारा अग्नि शांति होई था से दाने अग्नि संतोष दरिद्र न हुए तावंश जे सुवर्ण दान करे अधिमास पुलम पुरुषोत्तम मास रे तार दारिद्र नाश होई था तार सत पुरुष पर्यंत मध्य दारिद्रता भितरे प्रवेश करि न था गोदान कले जे जान गाभीर लोमे जे ते वण सेतिकी काल ब्रह्म लोके बसाई जाही महासुखे गोदान कले गोदान रे गोर मातार जेतिकी रोम अछि सेतिकी मास वर्ष काल पर्यंत तमे ब्रह्मलोक रे वास करिबे जेतिकी दिन पर्यंत गोमाता जदि आमे गोमातांग गोदान करूछे से गोमातांग शरीर रे जेतिकी लोम अछि सेतिकी लोम पर्यंत काल पर्यंत तमे ब्रह्मलोक रे वास करिबे एवं सेठारे महासुखरे विराजमान करिबे श्रद्धारे श्रद्धारे अणु परिमाण रजत जे करे प्रदान तहार पितृगण तोष तंबादान रे शिव हर्ष अल्पटी के जदि रजक माने रूपा चांदी जदि अधिमास रे आमे रौप्य प्रदान करिबा दान प्रदान करिबा कौन हबो ना पिता माता माने पितृलोक माने संतुष्टि लाभ करी था पितृआलय रे पितृलोक माने तहा संतुष्ट लाभ करी था एवं तंबा तंबादान द्वारा तंबार जदि आमे तंबा गड़ू बा तंबा ग्लास बा तंबार धातु आमे ब्राह्मणों को प्रदान करिबा तेबे भगवान शंकर सेतरे तृप्ति लाभ करी था पद्मराग आदि मणि दाने जन्मांते राजा हो धंती जाने पद्मराग आदि मान सब मणि 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 मुक्ता मान सब जदि आमे दान करिबा तेबे आमे जन्म जन्मांतरे राजा होइकि रहिबा मुक्ता दान रे मुक्ति लाभ वस्त्रादि चंद्र लोके ठाव जदि मुक्ता आमे मुक्ता प्रदान करिबा दान करिबा आमे मुक्ति लाभ करिबा मुक्ता दान रे मनुष्य को मुक्ति लाभ मिली था जो मनुष्य मुख्य मुक्ति प्राप्त हो न था जर पीड़ा जरा व्याधि रे पीड़ित हो था तार जीव मुख्य हो न था जदि से पीड़िता लोक लोकर हस्तरे मुक्ता प्रदान दे एवं से मुक्ता को ब्राह्मण हस्तरे जदि दान करा जाए से मुक्ति लाभ पारि था बा मुख्य लाभ पारि था वस्त्रादि दान द्वारा आमे कहा कु वस्त्र प्रदान कले गामुछा खंडिये हो लुगा खंडिये हो कोना खंडिये हो आमे जदि प्रदान करे कौन हे ना चंद्रलोक चंद्र शांति प्राप्त होई थाम चंद्र संतुष्ट होई थाम चंद्रंगर प्रभाव आम मन उपरे सदा सर्वदा प्रभाव पड़ी था चंद्रंगर द्वारा ही मनर प्रभाव ता उपरे अत्यधिक पड़ितबारु वस्त्रदान द्वारा चंद्र संतुष्ट होई थाम उर्णि प्रभुति धन्य दान मोहर प्रीति पाई जन आवरे अन्न वस्त्र जल अभाव जने का जथा काल जदि अन्न दान जल दान नानादि प्रकार सब जदि आमे प्रदान करे विविध प्रकार दान जो जहाँ मन को आश्रय प्रदान करे भगवान सेथिरे संतुष्टि लाभ करिथा दान द्वारा अनेक प्रकार पुण्य और मनुष्य अर्जन करी था देले अखय फल पाही ए दाने पत्र पत्र नाही
आमे जेते अन्नदान करिवा वस्त्रदान करिवा एथरे पात्रा पात्री दिदाय आमे कहा को मुठाए खाइबा को दवा जे ब्राह्मण हेतिबो तानवे जे केई व्यक्ति हो अन्न प्रतिष्ठितम ब्रह्म अन्न द्वारा प्राण रक्षा आइथा तेणु समस्तंग हृदय रे स्वयं प्राणवंत पुरुष विराजमान करिछन हां अहम वैश्वानरम भृत्वाम प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणीमानंग भितरे से विराजमान करिछन्ति भोक समय रे जहां को मुठाय आमे खाइबा को देबा तद्वारा स्वयं हरि संतुष्ट होइथान्ति कल्याण प्रदान करिथान अथवा हरि जन पाही अन्न वा वस्त्र जल दे करिण चिंतिव अशेष देवगणंक मध्येश व्यापी रहिछि सर्वकाल तेणु सर्वज्ञ सर्वेश्वर हे प्रभु अनादि ईश्वर तुम्हकु बोले चराचर कर्म कर्म रूप रे नाम भेद जाति गुण रे नाना बाद अद्व पुराण रे भगवान मध्य कहिछन्ति कले आमे से जेके व्यक्ति हो तांकु आमे मझिरे बसाई साक्षात ईश्वरंक रूप रे तांकु आमे कल्पना करिबा प्रार्थना करिबा कल्पना करिबा मन भितरे से भावना आनिबा आमे भाविबानी एटा ये जने हरिजन लोक आंकु कोन बसेकरी मु खाइया को देबी अन्नदान ए भावना जदी बळी आसिला ये सब विषतुल्य होई तेणु जो जन आसंतु आमे कर्म अनुसार भगवान एठी कहउचंती परा हे प्रभु अनादि ईश्वर तुम्हकु बोले चराचर कर्म रूप रे नाम भेद जाति गुण रे नानावाद कले कर्म गुण रे आमे जाति भेद होई जे जो कर्म कला से कर्म रे ही विभूषित हला तार जाति से जाति रे विभेद तेणु से जाति भेद भाव ज्ञान देखी दान करा जाए नहीं ब्राह्मण को दान करिवा से तार विधि विधान अछि अलग तेणु एतले अन्न दान करिवा कहा को उठाए खाइबा को दबा वस्त्र दान करिवा सेठी जाति गोत्र दान जिया को सब देखा जाय नथा तेणु जे भी जेके आसंतु से साक्षात नर नारायण को विष्णु प्राय मणे नमई तहांक चरणे ये भागवतर वाणी आई आई समस्त नारायण स्वरूप जनंकु विष्णु प्राय जनता ही आपण साक्षात नारायण कना ममई वांसम जीव लोके आमे से ये सुनाटा एति की सुनाले सेटा सुना ए मुदिटा मध्य सुना कना से अंशरु जातसी सुना अंशरु मुदिटा तयारी होई छी ये तळे भांगी जीव से सुना रही मिसिबो माटी रे मिसिबो नि से माटी आड़ी के जीवन तेणु ए समस्ते जनंकु विष्णु प्राय मणे तेणु किए विष्णु को केत अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रभ विष्टवे भगवान विष्णु मध्य अनेक रूप रे प्रतियमान होइचंती आ कोठी मीन शरीर कोठी कच्छप शरीर कोठी वराह स्वरूप कोठी नरसिंह रूप कोठी क्षत्रिय रूप कोठी बलराम रूप कोठी बौद्ध रूप कोठी खड़ग धरिक मध्य संहार कलेनी अनेक रूप रूपाय एवं निजर कर्म द्वारा से नाम वर्ण करिछन समस्त रूपम नाम तोर तेणु अनंत पद सार तुमे ही समस्त रूप समस्त नाम र तुमे ही सार समस्त नाम ही तमर अट तुमे ब्राह्मण तुमे क्षत्रिय तुमे वैश्य तुमे शूद्र ब्राह्मणस्यो मुखमासि पुरुष सूत्र कहउछन ब्रह्मा भगवान परम पुरुषंगर स्वरूप कौन सोलकांडी मंत्र रे गोटे मंत्र मध्य आसुच ब्राह्मणस्यो मुखमासित बाहु राजन्य कृतः ऋत वैश्यः तदा पदाभ्याहं शूद्र जायतः कले भगवानंकर स्व शरीर रु एपरि समस्त आसुचन तंकर नेत्र चंद्र तंकर नेत्र चम सूर्य तंकर मुख तेनु चंद्रमा मनसोर जातो चक्षु सूर्यम जायतः चक्रम वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्निं रजायतः सुवर्णदान देवे अग्नि संतांग मुखार बिंदरे से हस फुटि जीव समस्त रूप नाम तोर तेनु अनंत पद सार तेनु तमे समस्त नाम अनेक रूप रूपाय विष्टमे प्रभ विष्टमे तमे अनेक रूप रे अनेक नाम रे तुमे ए समाज रे ए मन अनंत कोटि ब्रह्मांड रे तमे प्रतिपादन हैचो आविर्भाव हैचो निला करिचो तेणु तेणु में अनंत तुमर नाम अनंत तुमर महिमा मध्य अनंत जे जोठिक जहा देने मध्य तुमरी पाख को से जीव किंतु आमर भाव टिके थिबा दरकार से सूर्यर प्रतिबिंब पड़ी सकल आत्मार विहारी एक ईश्वर रूपे रही निर्लेप निर्विकल्प तू ही कले
से एक ही स्वर में कासीनो स्थितो जगत भगवान दसटा पंद्रहटा कोड़ीटा पचिशा नुहन भगवान होंगे एक ना द्वितीय ना तीनटा ना चारिटा ना पांचटा एमती नहां मेकासीनो स्थितो जगत मुह हौचे संसार रे एकमात्र एवं से सकल आत्मा रे सकल शरीर आत्मा रे रूप रे से विराजमान करछे तेनो से निलिप्त निर्विकल्प निरंतर निरंजन निराधार निराकार निराभास से सब किछ अपन से एकानेकम स्थूलम सुखमान मूर्ति से एक से अनेक से स्थूल से सूक्ष्म से बेमार उपाधि से केत से कौर पर केत बड़े प्रकट हमती तार किसी विचार ही न था। लक्ष्मी उवाच आवर दान कथा मान कहंतु संतोषी तमो मन भगवान कौचन महालक्ष्मी पचार पुनर्वार कौचन सौरकादि ऋषिगण मान सुत हे ऋषिगण माने महाप्रभु मांकरे प्रश्न रे पंत प्रकार उत्तर प्रदान करी महाप्रभु पुनर्वार लक्ष्मी जनहित कारण कर जन जनता जनार्दन कल्याण निमंते पुनर्वार कहुचंती कहन कौन दान करिबा पुनर्वार आउ कौन दान रहिला जो कथा सुनिकरी मु संतुष्टि लाभ करी। श्रीकृष्ण उवाच जे करे पादुका प्रदान जातो ना मार्ग तारे पूर्ण आमे अग्नि सुवर्ण दान कले कौन पुण्य फल मिलिबो आमे श्रवण कले आमे अन्नदान कले कौन पुण्य फल मिलिब वस्त्रदान कले कौन पुण्य फल मिलिब मुक्तादान कले कौन पुण्य फल मिलिब एबे पुनर्वार भगवती पचारुछंती आउ कौन दान रहिला ना जे पादुका प्रदान करिब कठौटिए दबो ब्राह्मण देवतांकु डाकी बा अन्य कौनसी लोकंकु डाकी ब्राह्मण देवतांकु द्वार दबा द्वारा ईश्वर संतुष्ट होइथा तेणु जे करे पादुका प्रदान जातना मार्ग करे पुण्य कले ब्राह्मण को दब तत सहित अन्य लोक मान जदि पादुका दान कर चपल दान कर कठौ दान कर द्वारा ना जातना मार्ग से दूर हो था आम आम जो जातना कष्ट था जीवा आसवार समय जो कष्ट विपद थाए ता दूरभूत होता राशि दान रे शिव लोक लभ छाड़ी दुख सुख राशि तिल यह एक अत्यंत अपूर्व द्रव्य अटे तिलदान द्वारा पितृलोक संतुष्ट होइथान्ति ग्रह माने संतुष्ट होइथान्ति एवं भगवान शंकर मध्ये संतुष्ट लाभ करिथान्ति आमे तो दिनहीन अकिंचन लोक आमे गोदान कोठु करि परिबा सुवर्ण दान कोठु करि परिबा मुक्ता दान कोठु करि परिबा हाँ वस्त्र खंडे गामुछा खंडे दे दबा काहा को जड़ को डाकिकिरी बुठे खाइबा को दे पारिबा यथाशक्ति कष्ट आजिकार सुनिया दुनिया रे आजिकार समय रे हाँ तेणु तिलटे जदि दान दबा आमे दान करिबा तेबे मध्य भगवान शिव संतुष्ट लाभ करिथा गुरुत दान रे फल घेन स्वर्ग लोक रे तार स्थान जदि गुरुत दान करिबा घी टिके का को दान करिबा आमर तो छंचा दिया जाए ब्राह्मण मान सब आम पितृपुरुष मान उदर श्राद्ध से सब छंचा दौ कौन दौ ता दे सब विविध प्रकार दान दिखाई है चाउल थी डाली थी राशि थी तेल थी लुण थी सब थी हेले से गुरुत घी टिके थी तेणु घृतदान से स्वर्गलोक प्राप्त होता आम घृतदान करने द्वारा से स्वर्गलोक प्राप्त होता अधिमास रे द्वादशी रे वस्त्र भरण सहित रे वार्षिक धान्य घृत्य आदि जे विप्रदीय संपाति थापत धान्य दान कले सप्तर्षि लोक जाए भले सप्त धान्य जदि आमे एही अधिमास रे ब्राह्मण देवतांकु आमे प्रदान करिबा आमर सप्त पुरुष पर्यंत एवं सप्तर्षि लोक जाए सप्तर्षि लोक ऋषि माने मध्य से माने तृप्ति होता सप्तलोक पर्यंत सप्तपुरुष आमर संतुष्टि होती उद्धार पाई आम कथ तेणु तेणु ये अधिमास रे वस्त्रदान द्वादशी तिथि वस्त्रदान करने द्वारा एवं वार्षिक एवं ब्राह्मण को धान सप्तधान्य प्रदान करने द्वारा एवं अनान्य खाद्य प्रदान करने द्वारा ब्राह्मण लोक सप्तर्षि लोक आमर संतुष्ट होती सप्त पुरुष मध्य आमर उद्धार पाई था।
बिरीगह मामुगा जबा रसियावर प्रिय गंद धन्य कुमी साई ए सात तिल दान टी अटे पूत। सप्त धान्य कौन कौन धान्य आमे दबा सप्त धान्य ना बिरी गहम मुग जब राशि आवर प्रियांगद धान्य कुमी साई ए सात एमंत प्रकार बिरी गहम मुग जब राशि आवर प्रियंगद धान को मिशे धान ए समस्त मिशिले सात यहाँ सप्तधान्य बोली कह जाए। ए सप्तधान्य ब्राह्मण को प्रदान करने द्वारा ब्राह्मण संतुष्ट होता तिलदान टी अटे पुत धान्य को मिशाई ए सात तिलदान टी अटे पुत ए समस्त मिशापरे आमधे तिल हूँ स्वतंत्र एपरी दान से फल कहली लक्ष्मी करी ठूल। हे महालक्ष्मी हे कमलिनी आपण को ए समस्त दान विषय मुझको कहली मनुष्य यथाशक्ति यथा संभव यथा विचार रे आमे यथा संभव जदि आमे ए प्रकार भाव रे ए पवित्र अधिमास बड़मास पुरुषोत्तम मास रे आमे कहा को किसी दान पुण्य करी पारिबा तेबे भगवान संतुष्ट हंती सप्तर्षि ऋषिगण मान संतुष्ट हंती पितृलोक मान संतुष्ट हंती देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि समस्त जनलोक संतुष्ट हंती। तेणु यही दान विषय मु आपण को कहली आपण श्रवण कर दान रे देवगण वश दान पाप रोग नाश दान देवा द्वारा देवगण मान मध्य वश्य होती संतुष्ट होती आमे देवगण मानू जिते बड़े डाकवा देवता माने आमर डाकरा श्रवण करी आमर दुख बोचन करी था एवं तो दान रु कौन हुए ना पाप ना खंडन होई था पाप रु कौन हुए ना रोग उत्पत्ति होई था जिते रोग रोग उड़ी का सब पाप रु उत्पत्ति होई था तेनु पाप खंडन हेले ही रोग मुक्त मनुष्य हब। तेणु दान रे देवगण वश दान रु पाप रोग नाश दान रु नर लभे जश दान रु पूत हुए वंश दान करिबा द्वारा मनुष्यर पाप खंडन हो था रोग खंडन हो था एवं समग्र जबा समाज रे जन समाज रे जश कीर्ति तार बढ़ी था एवं दान रु पुत्र प्राप्त पुत्रवान हो था पितृमातृ माने पुत्रवान ही थांती संतान संतति प्राप्त होई थांती कुल रक्षा होई था तेनु दानर महान फल ये तेनु ए अधिमास दान कले खंड ही पाप मान तेनु ए पवित्र अधिमास जहा तीन वर्ष अंतर राम पाख को आसी चंती सुवर्ण सुजग ए समय रे आमे ए समय रे आपण मानु को इति के कहिबार उद्देश्य होउची आमे यथा शक्ति यथा विचार आमे किंचित किंचित किछि रूपरे गिलासे पानी मुंदे हो जदि आमे कहा कोई समय रे मास रे दान करिबा तेबे भगवान संतुष्ट आमर पुण्य फल हो आमर पुत्र पुत्रादि मान सुखरे रहिबे आमर समस्त रोग खंडन हो पाप अरिष्ट खंडन हो अकाल मृत्युरु समस्ते हरण हे। तेणु ब्राह्मण वैष्णव मानू डाक ब्राह्मण देवता डाकि आमे नरनारायण सेवा जदि ये मास रे आमे करिपारिबा तेबे भगवान संतुष्ट होई था। पद्म पुराण अंतर्गत ए अधिमास चरित कहई विप्र नारायण ए अधिमास पुराण इति श्री पद्म पुराण पुरुषोत्तम महात्म्यम अतः पंचविंशध्याय कृष्णानंद मुकुंद मुरारे वामन माधव गोविंद श्रीधर केशव राघव विष्णु लक्ष्मीनायक नरसिंह। प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।